सो गाइज कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं ग्रीट ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। सो गाइज मुझे नहीं लगता कि हमारे बारे में आपको ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत है, क्योंकि आप वही स्टूडेंट होंगे जो हमसे 10th स्टैंडर्ड में जब बोर्ड एग्जाम कैंसिल होने वाला होगा तो उस समय हमने क्या किया था वो आप सभी को पता ही है। और मैं चाहता हूँ कि इस बार के बोर्ड एग्जाम में हम स्टार्टिंग से आपके साथ लगे रहे। बट गाइज इसके लिए जरूरी है कि आपका सपोर्ट दिखना। आपका सपोर्ट दिखेगा तो हमारे अंदर एक मोटिवेशन आएगा, क्योंकि देखो इतने सारे काम है ना हमारा ऑफलाइन बैच का, इतना सारा काम, क्योंकि उनके भी लेक्चर स्टार्ट है। तो एक मोटिवेशन यही होगा कि आप शेयर करोगे तो एनालिटिकल पे हमें जब दिखेगा ना, बोला अरे बच्चे शेयर कर रहे हैं तो उनको चाहिए, तो हमारे अंदर एक जोश आता है। तो बस इतना करो, एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, तो थोड़ा जोश आता है। तो भाई वीडियो को फटाफट शेयर करो। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस साल का, इस न्यू एकेडमी ईयर का सेशन जो आप सभी के लिए है। तो भाई बस अपना सपोर्ट दिखा दो और धीरे धीरे सब टीचर्स आ जाएंगे और आपको भी मजा आना स्टार्ट हो जाएगा। और ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, तो फटाफट फटाफट जाके यहाँ भी फॉलो करो, यहाँ भी सपोर्ट दिखना चाहिए आप सभी का। तो प्रदीप गिरी 3334 डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 रोटेशनल डायनामिक। देखो भाई आपका स्टार्टिंग में ना बैटरी बहुत ज़्यादा चार्ज है, और बैटरी चार्ज है ना तो इस बैटरी को चार्ज रहने दो और फटाफट अपने चैप्टर को कंप्लीट कर दो। तो हम स्टार्ट करते हैं रोटेशनल डायनामिक। रोटेशनल डायनामिक को अगर देखा जाए तो इसके दो पार्ट थे पहले जब हम लोग पढ़ते थे, एक होता था सर्कुलर मोशन, एक दूसरा होता था रोटेशनल मोशन। और दोनों को कंबाइन करके ना क्या कर दिया, रोटेशनल डायनामिक बना दिया। रोटेशनल डायनामिक दोनों को कंबाइन करके रोटेशनल डायनामिक बना दिया। अब सर्कुलर मोशन तो आपने थोड़ा बहुत सुना होगा ना, तो और बाकी आप इसके अंदर सुन लोगे। अब सर्कुलर मोशन क्या होता है, कोई भी पार्टिकल अगर गोल 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 चक्कर काट रहा है ना, गोल 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 चक्कर काट रहा है, तो आप उसको बोल सकते हो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। अगर मैं फिजिक्स के टर्म में बात करूं तो मोशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग दिस सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। कहने का मतलब अगर पार्टिकल ऐसे ये पार्टिकल और ऐसे घूम रहा है, तो कहने का मतलब ये सर्कल का क्या होता है, सर्कमफेरेंस हो जाता है ना, और पार्टिकल ऐसे ही फॉर्म में घूम रहा है, ऐसा ही मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। मान लो मैं ऐसे घूम रहा हूँ, मतलब मैं क्या परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं परफॉर्म कर रहा हूँ सर्कुलर मोशन। तो मोशन किसका, पार्टिकल का, कहाँ, अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। अब दो एग्जाम्पल दिया हुआ है, अर्थ किसका चक्कर काटता है, सन का चक्कर काटता है, सब किसी ना किसी का चक्कर काटते ही है, आप किसका चक्कर काटते हो, तो अर्थ, मम्मी पापा का, और किसका, हाँ समझ में आया, गलत मत सोचो, तो अर्थ सन का चक्कर काटता है। देन इसका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का चक्कर काटता है गोल गोल, तो हम ये दोनों को बोल सकते हैं दोनों सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं। अब एक आपको एक डेफिनेशन है रेडियस वेक्टर, बहुत सिंपल सा यार, कुछ इतना टेंशन नहीं। अब मान लो ये हमारा सन है और ये अर्थ इसका चक्कर काट रहा है, पहले यहाँ था ऐसे ऐसे करके ये पूरा ऐसा कंप्लीट किया, तो एक सर्कल की तरह हमें दिखने लगा, और ये सर्कल का क्या हो गया, सर्कमफेरेंस। मान लो अर्थ यहाँ है और ये सेंटर है, यहाँ से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये लाइन, इस लाइन को फिजिक्स के टर्म में क्या बोला जाता है, रेडियस वेक्टर, क्या बोला जाता है, रेडियस वेक्टर। जैसे मान लो सिंपल सा आपका सर्कल होता है, सेंटर से अगर मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, इसको क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हो ना, क्या बोलते हो, रेडियस बोलते हो। तो क्या, सेंटर ऑफ अ सर्कल टू पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल जहां भी है उसके पोजीशन से कहां तक लाइन ड्रॉ करना है, सेंटर तक। तो ये जो लाइन होगा ना, इसको क्या बोलेंगे हम, रेडियस वेक्टर। द वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू पोजीशन ऑफ पार्टिकल, और इसी लाइन को हम क्या बोलेंगे, रेडियस वेक्टर। बहुत सिंपल सा यार, मान लो ये सर्कल हमारा बन गया, ये सेंटर है, सेंटर पार्टिकल यहाँ पड़ा हुआ है, और ये दोनों के बीच का लाइन ड्रॉ करोगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रेडियस वेक्टर। द वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड रेडियस वेक्टर, याद रखो। अब चलते हैं आगे, और इसको डिनोट किया जाता है आर बार से, और इसका जो यूनिट होता है, एक तरह का डिस्टेंस है, इसलिए यूनिट जो होता है इसका मीटर होता है। अब चलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ध्यान रखो। अब मान लो पहले हमारा पार्टिकल यहां था, तो हमने एक रेडियस वेक्टर यहां ड्रॉ किया, अब पार्टिकल यहां पहुंच गया, यहां ड्रॉ किया, दोनों के बीच में क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा है ना, तो एंगल किसने, ये एंगल किसके द्वारा बना, ये रेडियस के द्वारा बना ना, ये एंगल किसके द्वारा बना, ये रेडियस के द्वारा बना, तो ये एंगल किसने ट्रेस किया, रेडियस वेक्टर। और ये जो एंगल बन रहा है ना, ये एंगल विद द हेल्प ऑफ रेडियस वेक्टर, इसी को हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। द एंगल ट्रेस बाय रेडियस वेक्टर इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।
मान लो अभी यहां से यहां चला गया, पहले यहां था यहां, तो इसके बीच में एक एंगल बन जाएगा। तो ये जो एंगल है ना, इसको बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। पार्टिकल ने कितना डिस्प्लेसमेंट एंगुलर फॉर्म में क्या किया, कवर किया, उसी को बोलेंगे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और ये किससे बनता है, हमारा रेडियस वेक्टर से, एंगल ट्रेस बाय रेडियस वेक्टर इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और भाई अब एंगल की बात चल रही है, तो ये इसको डिनोट किया जाता है थीटा से। किससे डिनोट किया जाता है, थीटा से। जो ये डिस्प्लेसमेंट होता है, इट इज डिनोटेड बाय थीटा, और उसको इसका यूनिट होता है रेडियन। ये याद रखना अच्छे से। अब चलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी के लिए आपको वो पुराना वाला वेलोसिटी याद रखना, पूरा जो हम 9th में पढ़े थे, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये याद है, याद होगा ना, सब काम खत्म, ये याद होना चाहिए, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब यहाँ एंगुलर की बात चल रही है ना, तो ये लीनियर मोशन था, जैसे हमारा बाइक भाग रहा था तो हम उसकी वेलोसिटी बोलते थे, वो सब लीनियर वेलोसिटी हो गई। और जो गोल 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 घूमता है ना, उसको उसके अंदर कोई वेलोसिटी पूछे तो होता है हमारा एंगुलर वेलोसिटी। समझ रहा है ना, कि बाइक के बारे में अगर कोई वेलोसिटी पूछता था तो आप क्या बोलते थे, वेलोसिटी बोलते थे समय पर। वो जो वेलोसिटी है ना, उसको लीनियर वेलोसिटी बोलते हैं, और जो गोल 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 घूमता है ना, उसको एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। ये समझ लेना, बहुत बार इसको लेके कंफ्यूज होते हैं। तो ये हमारा लीनियर वेलोसिटी है, और अब गोल गोल घूमने वाला वेलोसिटी आ गया ना, तो ये हो गया हमारा ओमेगा। इसको डिनोट किया जाता है ओमेगा से। अब एस छोटा सा, ये डिस्प्लेसमेंट है, बाइक का डिस्प्लेसमेंट था, लीनियर वाला डिस्प्लेसमेंट था, पर यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रोटेशन क्या था, थीटा, और टी का तो टी रहेगा। हम हमेशा यहाँ एक छोटे से पार्टिकल की बात करते हैं, इसलिए हम यहाँ अप्लाई क्या करते थे, डेरिवेटिव। ओके, डी थीटा अपॉन डी टी, हो गया ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखो सेम इसको ही देख के मैंने नीचे फॉर्मूला बता दिया, बस चेंज कर दिया, ये लीनियर वेलोसिटी, ये एंगुलर वेलोसिटी, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया, बस आपको नोटेशन याद होना चाहिए। तो यहाँ हम कैसे रीड करते थे, अगर मुझे वेलोसिटी याद करना है तो मैं डिस्प्लेसमेंट का हेल्प लेता था। तो कैसे होता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। याद है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब यहां क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। बस इतना ही है मेरे दोस्तों, और कुछ नहीं है, कुछ हाथ पांव ऐसा उड़ान उल्टा उड़ने वाली चीजें नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल सी चीज है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड, अब थोड़ा और थोड़े प्रोफेशनल हो सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। वेलोसिटी को डिफाइन करना तो डिस्प्लेसमेंट का हेल्प लेना। अब बोलोगे सर ये क्या है, इसके बारे में जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो समझाऊंगा, बट यहाँ समझ लो कि एक छोटे से पार्टिकल की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ मैंने डेरिवेटिव अप्लाई किया, और बाकी अब डेरिवेशन होगा तो उसमें सब समझा दूंगा, टेंशन मत लो। अब एंगुलर एक्सेलरेशन, मुझे पता है इसको लेके बहुत लोग बहुत जगह कंफ्यूज रहते हैं, इसको क्लियर कर देंगे हम, टेंशन मत लो। फिर से मैं इस ये याद रखा, यूनिट डिस्प्लेसमेंट का यूनिट रेडियन था, इसका रेडियन पर सेकेंड। अब एंगुलर एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं, एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करूं तो ए पहले नहीं, पहले नॉर्मल एक्सेलरेशन जो हमने 9th में पढ़ा था, पहले वो करेंगे, चिटिंग नहीं करेंगे। तो क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ना वी अपॉन टी था, यही था ना। अब इसको चेंज करते हैं, ये लीनियर एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से डिनोट करते हैं, वी ये तो अभी मैंने आपको बताया लीनियर वेलोसिटी था, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा अभी हमने बताया, और टी का तो टी ही रहेगा। अब यहाँ छोटू सा, क्योंकि एक छोटे से पार्टिकल की बात कर रहे थे, डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, हो गया। अब मैं इसका नहीं बताऊंगा, हाँ इसका आप कमेंट में लिख के मुझे बताना, नहीं हाँ इसका, चलो इसका आप कमेंट में लिख के बताना, इसका मैं बताता हूँ। जब भी एक्सेलरेशन को डिफाइन करना है तो वेलोसिटी का हेल्प लेना पड़ता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर, अब एंगल की बात चल रही है ना, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी, याद रखो, नॉर्मल भी मतलब लीनियर वेलोसिटी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, हो गया काम खत्म। और इसको आप मुझे डिफाइन करके एग्जाम, मतलब एग्जाम बोल रहे हो, कॉमेंट में मुझे बताओगे। अब इसका जो यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होता है, जैसे वहां मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता था ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, जो हम पहले पढ़ते थे। अब चलो आगे, रिलेशन बिटवीन वी एंड ओमेगा, भाई रिलेशन तो बहुत जरूरी है, वी और ओमेगा, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी के बीच का रिलेशन क्या है, चलो हम देखते हैं। बहुत सिंपल सा रिलेशन, कोई डेंजर नहीं है। अब देखो मैंने अभी बताया था, अगर मुझे वी को कहीं भी सॉल्व करना है तो मुझे
इसी पत्नी का हेल्प लेना पड़ेगा, और इसकी पत्नी कौन है पता है? डिस्प्लेसमेंट। तो ये वाला दिमाग को फिट कर लो। ओके अब मैं क्या करूंगा, इसको डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी डीएस। मैंने बोला एक छोटे से पार्टिकल की अगर मैं कभी बात कर रहा हूं, एक छोटे से पार्टिकल की बात कर रहा हूं, एक ही पार्टिकल की बात करो, कंप्लीट पार्टिकल की बात, कंप्लीट बॉडी की नहीं बात कर रहा, एक छोटे से पार्टिकल की बात कर रहा हूं, तो मैं वहां क्या लगाता हूं? डेरिवेटिव लगाता हूं। और बाकी आगे बड़ा डेरिवेशन जिसके अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं उसमें जरूरत, इसके अंदर कुछ इतनी जरूरत नहीं है। तो डी एस अपॉन डी टी विद रिस्पेक्ट टू टी मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। हाँ याद रखो, एक छोटे से पार्टिकल की बात कर रहा हूं, तो छोटे से पार्टिकल को आगे जाने के लिए उसमें बहुत कम टाइम लगता है, इसलिए वहां जब कम टाइम लगता है तो वहां हम लोग टाइम जो ले लेते हैं, टाइम लिमिट कितना ले लेते हैं? जीरो ले लेते हैं। तो इसलिए यहां ये मत भूलना, लिमिट डेल्टा टेंस टू जीरो हो गया। आर तो कांस्टेंट होता है, मतलब रेडियस वेक्टर, देखो यहां जितना रहेगा उतना ही यहां भी रहता है, उतना ही यहां भी। रेडियस पूरे सर्कल का क्या होता है? सेम ही होता है ना। अगर वो सर्कल है, मैं अपना कल नहीं बोल रहा हूं, सर्कल की बात करो, तो अगर सर्कल है तो सर्कल के अंदर रहने वाला रेडियस क्या होता है? सेम होता है, इसलिए कांस्टेंट होता है, इसलिए इसको हमने सेम ही रखा, इसमें कुछ चेंज नहीं किया। हम इसकी बात करें, इस एंगल पे भी पार्टिकल जब आगे बढ़ रहा है तो वहां लगने वाले, एक ही पार्टिकल की बात करें, लगने वाला टाइम बहुत कम होता है, इसलिए हम लोग यहां भी जो टाइम का लिमिट रखते हैं वो टेंस टू जीरो रखते हैं। तो ये डी थीटा अपॉन डी टी, आप देखो बस इस, आप किसी भी ध्यान मत दो, बस इतना टाइम दो। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या था? वेलोसिटी होता है मेरे दोस्त, हो गया। देन आर, देन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी होता है, पर कौन सा वेलोसिटी? एंगुलर वेलोसिटी। ये हो गया रिलेशन, ये रिलेशन हो गया खत्म। अब ये दोनों के बीच रिलेशन, एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन बहुत आराम से ध्यान दो। अब मैंने फिर से बताया कि अगर मुझे इसको डिफाइन करना है तो मुझे इसकी पत्नी का हेल्प लेना ही पड़ेगा, और इसकी पत्नी, वेलोसिटी की पत्नी कौन है? डिस्प्लेसमेंट। आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला? तो हम अंतर्यामी हैं, बाबा है, फ्यूचर में हम बाबा बनने वाले हैं, इसलिए हम पहले बता दे रहे हैं। तो अगर मुझे एक्सेलरेशन को डिफाइन करना है, एक्सेलरेशन को डिफाइन करना है, तो इसकी पत्नी कौन है? इसकी पत्नी वेलोसिटी है। देखो यहाँ पति बन रहा है, पत्नी बन रहा है, क्या घोर कलयुग है। सो एक्सेलरेशन को डिफाइन करना है तो मुझे ये वाले रिलेशन का हेल्प लेना पड़ेगा, मतलब वेलोसिटी वाले रिलेशन का हेल्प लेना पड़ेगा। अब बस आगे सब सेम है, आपको दे दूँ क्या करने के लिए? नहीं, चलो आज कर देते हैं, आगे आगे आपको बहुत सारे होमवर्क देंगे हम बीच में। तो आप फिर से हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, डी वी अपॉन डी टी आर डी ओमेगा बाय डी टी, और यहाँ लिमिट अप्लाई कर देना, पहले बोल रहा हूँ 10 to 0, और यहाँ भी लिमिट अप्लाई करना, यहाँ भी लिमिट अप्लाई कर देना। अब वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन आर, एंड वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये गया अल्फा, हो गया ये रिलेशन, यहाँ लिमिट अप्लाई कर देना, भूलना मत। समझ में आया? क्योंकि अपने को बताना पड़ेगा ना टाइम लिमिट कितना है, तो ये लिख देना। ये हो गया दोनों रिलेशन। और आज ये देखो टाइम पीरियड, एक पार्टिकल को, ये एक पार्टिकल, इसको कंप्लीट एक चक्कर लगाने में, कंप्लीट एक चक्कर मतलब पूरा कंप्लीट एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए जितना टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन रोटेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल। ओके, उसी को हम क्या बोलेंगे? पार्टिकल का टाइम पीरियड। अब देखो भाई, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल कंप्लीट एक चक्कर लगा लिया, और ये जो कंप्लीट एक चक्कर लगाया है, मतलब ये क्या बन गया है? ये बन गया हमारा एक सर्कमफेरेंस बन गया। क्या बन गया? सर्कमफेरेंस। और सर्कमफेरेंस मतलब उसने कितना चक्कर काटा? 2πr, इतना चक्कर काटा। ओके, ये देखो, ये वाला फॉर्मूला याद रखो, वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बताया था ना अभी, जैसे नॉर्मल और फॉर्मूला, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ना, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बट यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं गोल गोल घूमने वाली चीजों की। तो गोल गोल घूमना, तो यहाँ जो वेलोसिटी होगा वो वेलोसिटी कौन सा हो जाएगा हमारा? एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और यहाँ
यहाँ टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना किया है, 2 पाई आर और अपॉन टाइम पीरियड को कैपिटल टी लेते हैं, और ओमेगा मतलब, ओमेगा मतलब क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, यहाँ तो ऐसा लिख सकते हो एंगुलर वेलोसिटी, यहाँ थोड़ा हम अच्छे से लिखते हैं। तो ये फॉर्मूला भी हमने कैसे यूज किया मैंने बता दिया कि वही वाला फॉर्मूला है, जैसे कि हम वेलोसिटी इक्वल टू क्या लेते हैं, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लेते थे ना, बट यहाँ हम एंगुलर वेलोसिटी है इसलिए हम यहाँ कौन सा फॉर्मूला लेंगे। ओके, हम ये टाइम पीरियड को बस सॉल्व कर रहे हैं इसलिए हम एक छोटे मोटे पार्टिकल की बात नहीं कर रहे, तो बोलोगे सर मॉड डी क्यों नहीं लगा ये सब, हम एक नॉर्मल बस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं जो हमें बनाना है। तो अभी ये हमारा हो गया एंगुलर वेलोसिटी, वेल एंगुलर इस वी के जगह पे अब क्या आ जाएगा, इस वी के जगह पे आ जाएगा हमारा ओमेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब थीटा अपॉन टी, एंगुलर वेलोसिटी ऐसा लिख सकते हो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया था, अगर पूरा चक्कर काट रहा है मतलब सर्कल पूरा, एक सर्कल का सर्कमफेरेंस एक चक्कर होता है, तो ये सर्कल का सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, टू पाई आर और यहाँ कैपिटल टी लो, हाँ क्योंकि टाइम पीरियड फाइंड करना है तो कैपिटल टी लिया जाता, तो ऊपर चला जाएगा ये और नीचे आ जाएगा 2 पाई आर अपॉन वी। ओके, वी नहीं एंगुलर वेलोसिटी है ना, तो क्या आ जाएगा ओमेगा। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला किसका, टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, समझा। ये देखो एंगुलर वेलोसिटी क्या आती है, ओमेगा, तो ये टाइम पीरियड ऊपर चला गया और एंगुलर वेलोसिटी का नीचे होगा, तो ये हो गया हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला। अब जस्ट अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूं, उल्टा कर दूं, ओके, अगर मुझे फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है तो फ्रीक्वेंसी मतलब टाइम पीरियड का उल्टा, तो क्या हो जाएगा, ये ओमेगा ऊपर चला जाएगा और 2 पाई आर नीचे आ जाएगा। ये देखिए ओमेगा ऊपर चला गया, 2 पाई आर नीचे आ गया, और ये किसका फॉर्मूला बन गया, फ्रीक्वेंसी का। तो इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी को आप डिफाइन कर सकते हो, इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड को उल्टा कर दो तो क्या मिल जाएगा, हमें फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। अब गाइस आज का लास्ट, क्योंकि मेरे जिम का भी टाइम हो गया, आज का लास्ट डेरिवेशन, बहुत अच्छा डेरिवेशन है, बहुत मजेदार डेरिवेशन है, अगर मुझे ऐसा लगा तो मैं ऑन रोड भी जाके ये वीडियो बना के आपको दूंगा कि भाई देखो इसी को बोलते हैं प्लेन कर्व रोड, और प्लेन कर्व रोड इंडिया के गली गली में पाया जाता है, बैंक रोड नहीं पाया जाता होगा, जो बैंक रोड हम आगे पढ़ने वाले, पर प्लेन कर्व रोड हर जगह पाया जाता है। अगर मान लो मुझे ऐसा जाना है ऐसे और मेरा घर यहाँ है, तो मेरा रोड डायरेक्ट ऐसे करके ऐसे घुमा रहता है, पर अब हाईवे पे जब जाओगे तो जहाँ घुमा रहता है ना वहाँ एक साइड से ऐसे उठा हुआ रहता है, उसको बैंक रोड बोलते हैं, जो एक साइड से, आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है प्लीज कमेंट करके मुझे बताना, जहाँ एक साइड से रोड ऐसा उठा हुआ रहता है ना उसको बोलते हैं बैंक रोड, पर ये बैंक रोड नहीं, ये डायरेक्ट टर्न है, ये हमें खुद घूमना पड़ता है हमारे कार को ऐसे, बाइक को ऐसे घुमाना पड़ता है, थोड़ा ऐसे टर्न होता है, समझो क्यों क्या वो हम एंगल ऑफ बैंकिंग, बैंक रोड, ये सभी हम पढ़ने वाले हैं, बट अभी के लिए बस इतना याद रखो कि प्लेन कर्व रोड मतलब क्या था, प्लेन मतलब डायरेक्ट ही टर्न है, प्लेन कर्व रोड, यहाँ कोई बैंक उठा हुआ नहीं है, डायरेक्ट ही टर्न, जैसे हमारे जनरली हमारे यहाँ होता है, अगर वही बैंक होता ना तो हमें घूमने में थोड़ी आसानी होती, बट यहाँ डायरेक्ट ऐसा क्या होता, जितना जैसा यहाँ है प्लेन वैसे इधर भी प्लेन है और डायरेक्ट ऐसा टर्न है, तो ऐसा जो भी रोड होता है आपकी गली, मेरे पोजिशन में तो बहुत सारा ऐसा रोड है, एक जगह अगर जो यशवंत में रहता होगा तो उसको पता है, हमारे जगह यशवंत है, वहाँ एक जगह ऐसा कचरा डाल के बैंक बना दिया है, बैंक कर दिया, उठा दिया, हाईवे वाली फीलिंग दे दी है, पर नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये क्या है, एकदम ऐसा प्लेन है, प्लेन, तो इसी को प्लेन कर्व रोड। तो प्लेन कर्व रोड का हमें सेफ्टी स्पीड फाइंड करना है, कितनी स्पीड में आप यहाँ, कितनी स्पीड में हम बाइक लेके जा सकते हैं उससे रिलेटेड डेरिवेशन। देखो अगर ये रोड है, अगर यहाँ दबा के 150 की स्पीड में बाइक भगाओगे जैसे हाईवे भगा रहे हो तो गाड़ी आपका स्लिप हो जाएगा, समझ में आ रहा है, कि प्लेन कर्व रोड में और बैंक रोड में जो बैंक किया हुआ रोड रहता है ना वो सपोर्ट करता है स्पीड को, बट यहाँ ज़्यादा स्पीड में हम भगा नहीं सकते, इसलिए जब टर्न आता है हमारे गली मोहल्ले में टर्न आता है तो हमें स्पीड कम करना पड़ता है, समझ, स्पीड कम करना पड़ता है या गाड़ी को थोड़ा टिल्ट करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें हमें, बहुत सारी कलाकारी करनी पड़ती है ये सब बैंक रोड में, पर अब हाईवे पे देखोगे स्पीड ज़्यादातर ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता क्योंकि वहाँ टर्निंग पे क्या किया था, बैंक उठाया हुआ होता है। ओके, तो अभी ज़्यादा नहीं करेंगे, बैंक रोड में समझाएंगे भी आपको, तो बस इसका डेरिवेशन। हाँ, अब देखो गाड़ी ऐसी जा रही थी,
ऐसी जा रही थी, उसको ऐसा घूमना है, ऐसा घूमना है, तो उसको ऐसा कंसीडर किया जाता है, ये क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन। और जो अगर सर्कुलर मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट को परफॉर्म करना है तो उसको क्या चाहिए रहता है पता, सेंट्रीपिटल फोर्स, क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड नहीं हो रहा है तो कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं कर सकता। जैसे अभी मैं ऐसे गोल गोल को घुमाता था, जैसे मैंने 10th स्टैंडर्ड में लिया था कि वो स्ट्रिंग लिया, स्ट्रिंग के साथ स्टोन ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा रहा, वो क्यों गोल 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 घूम रहा था पता है, क्योंकि सेंटर की तरफ उसको एक फोर्स लग रहा था, इसीलिए गोल गोल घूम रहा था। अगर मैं ये ऐसे मैंने बीच में पकड़ के रखा था, बीच में पकड़ के रखा था और उसको, और ये ऐसे गोल गोल इसलिए घूम रहा था क्योंकि सेंटर में क्या लग रहा था, सेंटर में फोर्स लग रहा था, इसलिए गोल गोल घूम रहा था। अगर मैं छोड़ देता, अगर मान लो सेंटर का मैं छोड़ देता तो स्ट्रिंग और स्टोन दूर जाके गिर जाता। इसलिए सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए रहता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर की तरफ फोर्स चाहिए, ओके, सेंटर सीकिंग फोर्स चाहिए। अगर ये नहीं है तो कोई ऑब्जेक्ट सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं परफॉर्म कर पाएगा। तो यहाँ लिखा है सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन, और ये यहाँ ये इस कंडीशन में सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलता है, गाड़ी का जो व्हील्स होता है और जो रोड के बीच में, दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन होता है, प्रोवाइडेड बाय फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन व्हील्स ऑफ व्हीकल्स एंड सरफेस ऑफ रोड। आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर आपने सही है, आपने ये बोला कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म करवाने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, चलो मैंने मान लिया, पर ये सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा कहाँ से, तो कहाँ से मिलेगा, फ्रिक्शनल फोर्स किसके बीच का, व्हील्स ऑफ व्हीकल एंड सरफेस ऑफ रोड, रोड और व्हील्स के बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसी के कारण क्या मिलता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, तो जितना फ्रिक्शन होगा उतना ही क्या होना चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए, तो हमारी गाड़ी आराम से घूम जाएगी। अगर इसमें कुछ ऊपर नीचे हुआ तो गाड़ी हमेशा के लिए ऐसी जगह चली जाएगी ना कि फिर समझ रहे हो, तो इसलिए दोनों इक्वल लिखा है, जितना सेंट्रीपिटल फोर्स उतना ही क्या हो देगा, जितना फ्रिक्शनल फोर्स उतना ही मिलेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। इसलिए देखो ये फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, फ्रिक्शनल फोर्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर ऐसा कंडीशन रहा, जितना फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट कर रहा है, जितना फ्रिक्शनल फोर्स है उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स क्या बनाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स उतना तो गाड़ी हमारी आराम से क्या होगी, टर्न हो लेगी। बट अगर फ्रिक्शनल फोर्स, अगर रोड और सरफेस के बीच में प्रॉपर तरीके से इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा तो गाड़ी अच्छे से टर्न नहीं करेगी, क्योंकि उसको अच्छे से सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिल पा रहा। पर इतना ज्ञान नहीं देना है आपको, इतना एग्जाम में बस इतना ही है कि व्हीकल का मास m होता है, वेलोसिटी मतलब v होता है, रेडियस मतलब r होता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है, सर्कुलर मोशन करता है, और ये सर्कुलर मोशन कौन प्रोवाइड करता है, व्हील्स ऑफ व्हीकल्स, मतलब व्हीकल का व्हील्स एंड सरफेस का रोड। ओके, अब सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और ये होता है हमारा नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल फोर्स, और इसका फॉर्मूला होता है एम जी, दोनों से एम एम क्या हो गया, कैंसल, वी स्क्वायर आर डिवाइड में इक्वल के साइड जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई म्यू आर जी। अब स्क्वायर इक्वल के साइड जाएगा, स्क्वायर इक्वल के साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट म्यू आर जी, ये देखो स्क्वायर इक्वल के इस साइड जाएगा तो अंडर रूट म्यू आर जी, और यही इसके अंदर हम आप म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स है, आर जहां हम टर्न कर रहे हैं वहां कितने एंगल पे सर्कल मतलब सेंटर कहाँ है, और सेंटर से अगर हम रेडियस फाइंड कर लेते हैं, और जी आपको वैल्यू पता, अगर ये तीनों हम फाइंड कर लेंगे तो हम वहां पता लगा सकते हैं कि मैं अपनी गाड़ी को कितने स्पीड में मैक्सिमम कितने स्पीड में घुमाऊंगा कि मैं स्लिप नहीं होऊंगा, ये निकाल सकते हो। अगर वहाँ का सेंटर आपको पता, वहाँ का रेडियस आपको पता चल जाए कि इस जहाँ हम टर्न करने वाले हैं उसका रेडियस कहाँ है, उसका सेंटर कहाँ है, और सेंटर से हम रेडियस निकाल लें, जी तो हमें पता ही है, हमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स मिल जाए, ओके कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मिल जाए, अगर ये तीनों मिल जाए तो हम पता लगा सकते हैं कि मैं बाइक की स्पीड वहाँ कितना रखूँगा कि आराम से जाए। इसलिए आप जगह जगह पर देखोगे कि स्पीड लिमिट लिखा रहता है, और स्पीड लिमिट इसलिए लिखा रहता है कि वो बताएगा कि ये जो सरफेस है आपको इतना ही सपोर्ट कर सकता है, इससे ज़्यादा करोगे ना तो ऊपर वाला भी आपको सपोर्ट नहीं, ऊपर वाला ही फिर सपोर्ट कर पाएगा, ये रोड सपोर्ट नहीं कर पाएगा, समझ में आए। तो ये है कौन किसका सेफ्टी स्पीड, हमारा प्लेन कर्व रोड का, प्लेन कर्व रोड मैंने बताया कि बस जाके स्ट्रेट ऐसे टर्न, ये होता है प्लेन कर्व रोड। तो भाई ये हो गया डेरिवेशन, और बस इतना सही लिखना है, ये हमारा किसका है, प्लेन कर्व रोड का। तो भाई यहाँ आज फर्स्ट लेक्चर को मैं ख़त्म करता हूँ पूरा अच्छे से कंप्लीट करके, और आपका टेलीग्राम अलग टेलीग्राम बनाया गया जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है,
और वहाँ मैं आपको नोट्स भी भेज दूंगा आराम से प्रैक्टिस करके। मुझे इंस्टाग्राम पे मेंशन कर सकते हो कि सर मैंने कंप्लीट किया, तो मुझे लगेगा फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर आपको दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।